आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल का शेष बचा हुआ भाग, जिसमें हम लोग पिछला थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। पिछली बार हम लोग पढ़े थे निर्जलीकरण। इस निर्जलीकरण में हम लोग पढ़ रहे थे एल्यूमिना से कैसे निर्जलीकरण होता है। इसके पहले H2SO4 से भी पढ़े थे, माने निर्जलीकरण Al2O3 अर्थात एल्यूमिना और H2SO4 दोनों से होता है। इसमें लास्ट में हमने पढ़े थे एल्यूमिना से निर्जलीकरण कैसे किया जाता है। तो एल्यूमिना से निर्जलीकरण का कैसे होता है देखें। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एल्कोहल यहाँ से निर्जलीकृत होते हैं। देखें, प्राथमिक यदि है CH3, CH2, CH2OH प्राथमिक है, इसका निर्जलीकरण Al2O3 की उपस्थिति में 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अर्थात यहाँ एल्यूमिना 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर निर्जलीकरण करता है, अर्थात प्राथमिक एल्कोहल का निर्जलीकरण 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, द्वितीयक का 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे और तृतीयक का 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जिसमें बताया गया था कि निर्जलीकरण की प्रक्रिया में जो टर्शियरी होता है, तृतीयक होता है, वो ज़्यादा क्रियाशील होता है और द्वितीयक होता है उससे थोड़ा सा कम क्रियाशील होता है। मतलब तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक, इस प्रकार से इनकी क्रियाशीलता होती है, ये निर्जलीकरण में होता है। यह है एल्कोहल। तो एल्कोहल में जिस प्रकार इनका निर्जलीकरण की प्रक्रिया है, वैसे ही देखेंगे इनका टेम्परेचर कम होता जा रहा है। प्राथमिक में सबसे कम क्रियाशील है, तो प्राथमिक 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या होगा, यहाँ से जल का अणु बाहर निकलेगा। देखें, इसके निकटवर्ती सेंजफ का नियम यही है, इसके निकटवर्ती कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन को ये OH बाहर निकालता है। यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH जल का अणु बाहर निकलेगा और एल्कीन बनाएंगे, CH3 CH3 CH। ये के एच बाहर निकल गया, डबल बॉन्ड CH2, ये बना एल्कीन। ठीक है, ऐसे ही ये प्राथमिक एल्कोहल है। ऐसे ही द्वितीयक एल्कोहल के लिए देखेंगे CH3 CH2 CH CH3 OH, यह है द्वितीयक एल्कोहल। ये जो द्वितीयक एल्कोहल है, ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब एल्यूमिना की उपस्थिति में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का अणु बाहर निकालेगा। तो यहां से क्या होगा, ये कार्बन परमाणु, अभी एक और नियम बताया गया था कि जिधर कार्बन की श्रृंखला अधिक होती है, सजब के नियम में ही, इसमें जिधर कार्बन की श्रृंखला अधिक है, मतलब यहां से इधर कार्बन की श्रृंखला छोटी है और इधर कार्बन की श्रृंखला ज्यादा बड़ी है, तो जिधर कार्बन की श्रृंखला ज्यादा बड़ी होती है उधर ही निकटतम परमाणु से हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो देखें, यहाँ सीरीज कम है, इधर जाएंगे तो यहाँ का हाइड्रोजन इस OH के साथ बाहर निकलेगा, अर्थात डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे बनेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, CH3 CH CH, एक एच बाहर निकल गया, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, CH सिंगल बॉन्ड है, CH3। ठीक है, यहाँ ऐसा बन गया, ये भी एल्कीन बना। फिर ऐसे ही तृतीयक के लिए देखें, CH3 OH CH3। देखें, इसमें निर्जलीकरण एल्यूमिना की उपस्थिति में कराते हैं, तो यहां केवल 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करना होगा। 150 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते ही ये एल्यूमिना यहाँ से जल के अणु को बाहर करेगा। और फिर से यहाँ ध्यान देंगे कि जिधर सीरीज बहुत लंबा होगा, अर्थात इनके देखें इधर भी सीरीज है, तो कार्बन की श्रृंखला इधर कम है, एक ही कार्बन है इधर, दो कार्बन है,
तो इधर वाले कार्बन के साथ ये बाहर निकलेगा, यह हाइड्रोजन बाहर निकला और OH यहाँ से दोनों बाहर निकलेंगे, तो यहाँ से CH3 CH डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक या चांस निकल गया, डबल बॉन्ड हो गया, सी OH भी बाहर निकल गया है, इधर है CH3 और इधर है CH3, क्या निकला, यहाँ भी जल कणु बाहर निकला है और यहाँ भी जल कणु बाहर निकला। तो इन केस प्राथमिक एल्कोहल यहाँ एरिमिया 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करता है, यहाँ पे 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे और यहाँ पे 150 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यही हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। आगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज ऑक्सीकरण कैसे होता है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण कैसे होता है ये ध्यान देखें। ऑक्सीकरण का मतलब आप लोग जानते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण, ये तीन केस हैं जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना ठीक है ये ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीकरण। ऐसे ही हाइड्रोजन का बाहर निकलना, इधर हाइड्रोजन का बाहर निकलना वो भी ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना वो भी ऑक्सीकरण होता है, ये तीन केस हैं जो ऑक्सीकरण के हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल का ऑक्सीकरण कैसे होता है, तो यहाँ हम लोग औपचारिक लेंगे यहाँ औपचारिक एल्कोहल में सोडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐसे K2Cr2O7 पढ़े होंगे, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐसे ही Na2Cr2O7 होता है ठीक है, तो इनके साथ H2SO4 को लिया जाता है और इनके साथ H2SO4 लिया जाता है, ये प्रबल अपचायक है, अपचायक के रूप में है, प्रबल नहीं है तो अपचायक के रूप में है, KMnO4 है ये प्रबल अपचायक है ठीक। फिर ऐसे ही और ये क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं, अभी बताया गया था हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है, इनको याद रखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट ये सभी ऑक्सीकारक हैं, और ऑक्सीकारक का मतलब होता है जो ऑक्सीकरण कराता है वो होता है ऑक्सीकारक, ये ऑक्सीकरण कराते हैं इसलिए ये अपचायक कहलाते हैं ठीक है। तो जब आप लोग हाई स्कूल सॉरी फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे ऑक्सीकरण और अपचायक उसमें है कि कौन ऑक्सीकारक होता है और कौन अपचायक होता है, तो यहाँ ये प्रबल अपचायक के रूप में माने जाते हैं, प्रबल अपचायक, अपचायक कौन होता है जो ऑक्सीकरण कराता है ठीक है और जिसका होता है वो ऑक्सीकारक है। आगे देखें इनका कैसे ऑक्सीकरण होगा, सबसे पहले हम प्राथमिक एल्कोहल लेते हैं CH3 CH2 CH2 OH, ये प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल यहां इसका ऑक्सीकरण करना है, तो ऑक्सीकरण हम लोग करेंगे Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 कर देते हैं, यहाँ अपचायक के लिए इनको हम ऑक्सीकृत कर रहे हैं, क्या होगा ऑक्सीकृत करने से देखें यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, सॉरी ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ये वाले दोनों हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और इस कार्बन का दो बंद खाली होगा और ये ऑक्सीजन यहाँ आके ऐड हो जाएगा ठीक है। तो क्या करते हैं ये हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं, जब हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान देंगे कि ये बीच में ऐसा नहीं कि तत्काल अभिक्रिया मतलब यहां तक पहुंच जाती है, ऐसा नहीं है, ये बीच में ही एक मैंने इंटरमीडिएट स्टेट बीच में आता है कि मैंने ये एल्कोहल Na2Cr2O7 के साथ यदि H2SO4 लेते हैं तो ये सबसे पहले एंडिहाइड बनाएंगे,
क्या बनाएंगे, सबसे पहले एल्डिहाइड बनाएंगे, फिर लास्ट में फिर वो अभिक्रिया अंत होगी तो वहां वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो क्या बन जाएगा, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका बना रहे हैं, CH3 CH2 CH H और OH। सबसे पहले ये जलकण यहाँ से बाहर निकल जाता है क्योंकि निर्जलीय कारक लगा हुआ है, तो ये जलकण यहाँ से बाहर निकालेगा, जलकण जो ही बाहर निकलेगा ये डबल बॉन्ड यहाँ आके ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH OH, इसे कहते हैं एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद इसी एल्डिहाइड का यदि हम ऑक्सीकरण और आगे कराते हैं, आगे बढ़ाते हैं, एल्डिहाइड है CH3 CH2 CH OH, इसका हम ऑक्सीकरण कराते हैं, तो यहाँ क्या होता है, ये यहाँ ऑक्सीजन आके ऐड हो जाता है और कहीं जगह ही नहीं है, यहाँ कार्बन के दो इधर पीछे नहीं होता है, लास्ट वाले कार्बन पर ही जो भी अभिक्रिया होगी होनी होगी होगी। यहाँ क्या होगा, यहाँ जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिख रहा है इसी के नजदीक ये ऑक्सीजन यहाँ आके ऐड हो जाएगा, ये बदल जाता है CH3 CH2 CH1 OH, ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में सबसे पहले जब ऑक्सीकरण प्राथमिक एल्कोहल का हुआ तो उस समय सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल को लिए ऑक्सीकरण कराए, अर्थात ये अपचायक जब प्राथमिक एल्कोहल में लगता है तो सबसे पहले एल्डिहाइड बनाता है, फिर उसके बाद यदि एल्डिहाइड में यही अपचायक रहा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचा देते हैं, ये रहा प्राथमिक एल्कोहल के लिए। यदि यही द्वितीयक एल्कोहल के लिए हुआ, द्वितीयक एल्कोहल के लिए CH3 CH2 CH CH3 OH, ये रहा द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, इसमें यदि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को लेते हैं K2Cr2O7 की उपस्थिति में यदि H2SO4 लेते हैं, इनका ऑक्सीकरण कराते हैं, तो ये यहाँ इनका यहाँ से H और यहाँ से H, दोनों H यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और यहाँ बन जाएगा कि जो CH2 यहाँ है CH केवल C, एक एच यहाँ से और एक एच यहाँ से, दोनों एच वहां से बाहर निकल गए, तो यहाँ हो गया डबल बॉन्ड O और यहाँ हो गया एच, यहाँ CH3 ये बन गया कीटोन। तो ये याद रखेंगे, प्राथमिक एल्कोहल में कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था, द्वितीयक एल्कोहल में K2Cr2O7 की उपस्थिति में H2SO4 लगाया गया तो यहाँ कीटोन बन जाता है। ठीक है, और कीटोन के साथ साथ अगला यदि तृतीयक में ऐसे लेते हैं, यदि K2Cr2O7 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता है तो उसमें कीटोन के साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। अगला तृतीयक देख लें, CH3 CH2 CH3 CH3 OH, यहाँ यदि Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 ऑक्सीकरण कराते हैं तो यहाँ दोनों बन जाता है, यहाँ ध्यान देंगे इतना प्रबल अपचायक लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है, यहाँ थोड़ा सा मतलब केवल ऑक्सीकरण दिखा सकते हैं, यहाँ केवल ऑक्सीकरण भी हो सकता है, डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ हल्का कोई अपचायक लिया जाएगा। तो CH3 CH2 CH3 यहाँ से डबल बॉन्ड ये पहले हट जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएगा और ये दूसरे रूप में मतलब इनका पूरा रूप ही बदल जाता है, CH3 CH2 COOH और ऐसे ही CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O CH3। एक मिनट, यहाँ CH3 CH3 COOH मतलब यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड और
कीटों दोनों का मिश्रण बनता है। ये हमेशा याद रखेंगे, तीन ही है, तीन कंडीशन है। प्राथमिक एल्कोहल में सीधे बना था, एल्डिहाइड पहले बना था, फिर बाद में